हाय एवरीवन दिस बुरे वरोनिका आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है अनंगताल लेक विच इज़ डिक्लेयर्ड एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है प्रोटेक्टेड लैंड इसको क्यों बनाया जाना सोच रहे इस मॉन्यूमेंट को नेशनल इम्पोर्टेंस का क्यों कहा जा रहा है तो डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर बिकॉज आई फील टू कैद वी कैन मेक अज डिफरेंस सो कोई भी क्वेरी हो यू केन डायरेक्टली आस्क मी ऑर रिलेटेड टू माई लेक्चर्स नाउ सी ये अनंगताल कहां है ये साउथ डेली में है और ये माना जाता है कि हज़ारों साल पहले ये जो ताल है जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं इसको बनाया गया था अब इसको इन्होंने डिक्लेयर किया है एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट प्री प्रलम्स के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज़ में है और गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन uh, भी जो है वो निकाला है किस मिनिस्ट्री uh, ने निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने uh, इस हफ्ते की शुरुआत में लास्ट वीक जो आपका था इस नोटिफिकेशन में डिक्लेयर किया दैट दिस इज़ अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस तो देखिए हिंदू ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पे इन्होंने बताया है ये जो एंशियंट माउंट है अनंगताल ये तह तहसील महरौली में पड़ता है जिसका डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली है दिल्ली में नेशनल कैपिटल टेरिटरी हमारी वहाँ पे इस मॉन्यूमेंट को इस तरीके से घोषित किया गया है तो ये इस तरह का पूरा माउंट है जहाँ पे ये आनंत ताल इस एरिया में संजय वन में है अगर आप दिल्ली गए हैं तो बहुत लोग घूमने के लिए संजय वन में जाते हैं ट्रैकिंग के लिए जाते हैं इवनिंग वॉक्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बीच में आपको ये ताल जो है वो देखने को मिलता है तो अगर आप सेटेलाइट व्यू अगर आप इसका देखेंगे इस बावली का तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा नाउ सी कौन सी मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनको हम नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देते हैं तो मॉन्यूमेंट्स जो है नेशनल इंपॉर्टेंट की एक तो ए एस आई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो डेजिग्नेट करता है कि, कि किस मॉन्यूमेंट को हम नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देंगे और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फिर वो ऑथोराइज करती है इस तरह का नोटिफिकेशन निकलता है अब बेसिकली इस तरह के एरिया को आगे जाके प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें वो हमारी एक हेरीटेज है उसको हम कंजर्व कर सकें जितनी भी आपकी मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस रहती हैं अब आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन क्या है एंशियंट मॉन्यूमेंट किसको कहा जाता है कोई भी इस तरह की बिल्डिंग मॉन्यूमेंट आपका कोई रॉक स्कल्पचर हो सकता है इंस्क्रिप्शन हो सकता है मोनोलिथ्स हो सकते हैं जिनका हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस हो हिस्टोरिकल या आर्टिस्टिक कोई इंटरेस्ट हो और वो कुछ हंड्रेड इयर्स पुरानी होनी चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने दिया है पर नॉट लेस देन हंड्रेड इयर्स यानी सौ साल पुरानी इस तरह की इमारतों को इस तरह के जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट uh, की चीज़ें हैं उनको मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा जाता है और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है देखिए कोई भी ऐसी मोन्यूमेंट है उसके कुछ रिमेन्स बाकी हैं थोड़े हिस्से उसके बचे हुए हैं ये जो साइट है एंशेंट मोन्यूमेंट एक जो साइट है वो भी पुरानी होनी चाहिए जो लैंड है उसके आगे पीछे फेंस ताकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो एक फेंस बनाया जाए जो इन इस इस तरह के स्ट्रक्चर्स को प्रिवेंट करके रख सके ताकि लोग बहुत आगे जाके उनको ख़राब ना करें और ये जो लैंड है वहाँ पे लोगों को एक फ्री एक्सेस जो है मॉन्यूमेंट का वो दिया जा सके अब आनंग ताल लेक के बारे में देखिए जैसे कि मैंने बताया महरौली में है इलेवेंथ सेंचुरी मिनी लेक है ये एक लेक की तरह ही आपको नज़र आएगी एलेवेंथ सेंचुरी की जो फाउंडर हैं किंग ऑफ डेली अनंग पाल तोमार उन्होंने या तोमर बोल लीजिए वन टू ए में उसको बनाया था अब जो हिंदू डायनेस्टी है तोमर्स की जो तोमर्स की जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया और ये वाला जो नाम भी है धिलिकापुरी धिलिकापुरी इन्होंने ये नाम दिया था जिसको बाद में हम दिल्ली के नाम से जानते हैं यहाँ पे बहुत सारी स्टोन की इंस्क्रिप्शन जो हैं वो आपको मिलती हैं जनरल कनिंगम थे या इसको लॉर्ड कनिंगम भी कहा जाता है इनको उन्होंने ब्रिटिश जब इंडिया में आए उस टाइम ये जो चीज़ें हैं उनको अनविल किया था अब अनंगताल जो है ये नॉर्थ ऑफ़ जोगमाया टेम्पल एक जोगमाया टेम्पल है उसके नॉर्थ में है और नॉर्थ वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 500 हंड्रेड मीटर्स है नॉर्थ वेस्ट कुत्तुब कम्पलेक्स से तो ये सब चीज़ें आपकी 1060 जीरो सिक्स जीरो ए डी में आप कह सकते हैं इनको बनाया गया था और ये जो ट्रेडिशन है यहाँ से बोला जाता है ये जो टैंक था तोमर किंग ने बनाया था तोमर किंग का नाम क्या था अनंत पाल टू वो बिल्डर लाल कोट के बिल्डर भी वही हैं और इसको जनरल एक रिजोर्ट के तौर में रखा जाता था बट बाद में ये सूख गई और कल्टिवेशन के लिए इसको करना शुरू कर दिया गया यह भी कहा जाता है अलाउद्दीन खलजी ने 1296-1316 एडी के बीच में इस एरिया से पानी को यूटिलाइज किया था कुतुब मीनार बनाने के लिए और बाद में इसको एक्सटेंड किया था कुतुब उ इस्लाम मॉस्क के लिए भी तो यहाँ से जो पानी है वो यहाँ से ले जाया गया था अब अनंगपाल टू हैं इनको पॉपुलरली इनका नाम है अनंगपाल तोमर इस नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं फाउंडर हैं दिल्ली का पूरी के जो इवेंचुअली आपका दिल्ली बनाए वाला एरिया और यहाँ पर स्टोन इंस्क्रिप्शन से हमको और भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है लॉर्ड कनिंगम के बारे में इंफॉमेशन मिलती है कि ये जो इंस्क्रिप्शन हैं यहाँ से जो कॉइन्स मिले हैं वो ये बताते हैं कि अनंगपाल पाल तोमर जो थे वो रूलर थे जो आज जिस जगह को हम दिल्ली बोलते हैं इस एरिया के वो रूलर थे दिल्ली और हरियाणा के बीच के किस समय में एटथ से ट्वेल्थ सेंचुरी के बीच में और बाद में अनंगपाल तोमर को सक्सीड किसने किया उनके जो ग्रैंड सन थे पृथ्वीराज चौहान उन्होंने उनको सक्सीड यहाँ पे किया अब ये जो मूव है नेशनल इंपॉर्टेंस का इसको बताने का ये जो नोटिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंस क्या है सिग्निफिकेंस क्या है देखिए कोई भी एरिया जब हम उसको नेशनल इम्पॉर्टेंस का दर्जा देते हैं तो उस साइट को फिर प्रोटेक्शन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से वरना तो देखिए वहाँ पे लोग जाते रहेंगे आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं ये मॉन्यूमेंट्स आपके ख़राब हो जाएंगे जिसके साथ आपका हेरिटेज और आपकी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी लेकिन आप अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रख, रखना चाहते हैं तो इससे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगेगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं कंस्ट्रक्शन पे उन पे रेस्ट्रिक्शन लगेगी आगे पीछे की एक्टिविटीज़ किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो अल्टीमेटली हमारा एम टारगेट क्या है यहाँ पे इस एरिया को इस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना ताकि अपनी हेरिटेज को हम कंजर्व करके प्रिजर्व करके रख सकें और यहाँ पर कहा जाता है जैसे मैंने बताया कि जगह सूख गई बाद में इसको कल्टिवेशन के लिए यूज़ करने लगे सो दिस इज़ इट ये करंट अफेयर में है अनंग ताल सो so, प्लीज़ इसको याद रखिएगा पेपर में प्रॉब्लम्स में इस तरह के सवाल आते हैं फिर आपको लगेगा कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है इतना सब हम याद कैसे रखें बट देन यू फगेट कि ये न्यूज में रहा है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी का क्या काम रहता है किस तरीके से ये काम करती है इनका पर्पस क्या है क्या प्रोवाइड करती हैं कोई भी एरिया को हम नेशनल मोन्यूमेंट बोलते हैं तो उसके आगे पीछे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है जैसे नहीं होती और अब वैसे भी ये नोटिफिकेशन जैसे इन्होंने निकाला है ना तो यहाँ पे दो महीने का टाइम दिया जाता है कि अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है इस नोटिफिकेशन पर कोई कॉन्सिक्वेंस आपको लगता है कि गलत होगा इसे तो आप दो महीने तक इसके बारे में बोल सकते हैं उसके बाद ये डिसीजन जो है वो परमानेंट हो जाएगा सो दिस इज़ इट दिस इज़ माई टेलीग्राम लिंक डू कनेक्ट विद मी हियर फॉर लेक्चर अपडेट्स एंड पी डी एफ बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं यू पी एस सी सी एस सी देखिए हर हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ प्रिपेयर फ्राम द बेस्ट प्लेस एंड अन अकेडमी इज़ द बेस्ट प्लेस वैन यू प्रिपेयर फ्राम होम एंड अदरवाइज ऑल्सो तो आप कोड यहाँ पे वीरो यूपीएससी जो है वो यूज़ कर सकते हैं और खैर अभी इस पर टेन परसेंट की जगह आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ जो है वो मिल रहा है और ये ऑफर बहुत कम समय तक है ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ वाला अगर यूजुअली आप देखें बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स इसको टेन परसेंट ऑफ पे ही ले लेते हैं और फिर बोलते हैं मैम बताइए ज़्यादा डिस्काउंट कब आएगा तो फाइनली दर इज़ डिस्काउंट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट आपको इस कोड पे मिल रहा है सो डू यूज़ दिस कोड और इसको आप जल्दी से ले लीजिए और यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दिया जाता है एंड ओके यहाँ पर यू कोड लिखा है बट रिमेंबर दिस इज़ माई कोड वी आई आर ओ यू इसको यूज़ करके आपको ट्वेंटी ऑफ़ मिलेगा और यहाँ पर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है एंड आइकॉनिक आइकॉनिक में क्या है कि आपको मेंटोर भी दिया जाएगा जिससे जो बिगनर्स के लिए ये बहुत बेहतर रहता है बाकी कंबैट हर संडे संडे होता है डू पार्टिसिपेट आपको पता चलेगा कि फिल्म्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं फिफ्टी क्वेश्चन होंगे आपको सिक्सटी मिनट्स में करने हैं आप स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी एंड टू चूज एन अकेडमी यू हैव वेरी गुड रीजन बिकॉज यू गेट टू नो lot ऑफ़ टीचर्स हेयर आपको जिस टीचर से पढ़ना है आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं बेस्ट एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं बैचेज़ हमारे शुरू होते रहते हैं सो यू कैन enroll योर सेल्फ इन अ पर्टिकुलर बैच ऑल्सो ताकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका प्रिपरेशन आगे बढ़े सो रिमेंबर दिस स्कोर वी आई आर ओ यू पी एस सी एम आई पर भी आपको एक कोर्स मिल जाएगा और अगर आप दो साल या दो साल से ज़्यादा का कोर्स लेते हैं देन यू नो यू विल गेट वन ईयर फ्री एक्सटेंशन इफ़ यू नॉट सेटिसफाइड फ्रॉम योर रिजल्ट ओके थैंक यू सो मच